कंसे है कि 2011 में हमारा जब ये बायोडायवर्सिटी पार्क तैयार हो गया था तो हमने BNHS से इसका सर्वे किया कि यहाँ पे बर्ड्स कितने आ रहे हैं, क्योंकि बायोडायवर्सिटी अच्छा डेवलप हो गया था। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि 164 टाइप के बर्ड्स साल में माइग्रेटरी और ये सब मिला के आते हैं। तो हमने फिर पिकॉक का भी सर्वे कर लिया कि पिकॉक कितने हो गए थे। उस टाइम 43 पिकॉक थे यहाँ पे, शायद ये कोई हमने यहाँ पे पाले हुए नहीं थे, वो आए थे इधर उधर से, गोरेवाड़ा से आए होंगे, तुम्हारे ये फुटाला से आए होंगे, तालाब की तरफ से। तो ये सबका सर्वे जब किया और धूपकाले में मैंने सोचा कि अपने यहाँ पे 4 महीना धूपकाला रहता है, जंगल में खाने को कुछ रहता नहीं है, तो एक ऐसे ही दिमाग में आ गया कि एक बर्ड्स रेस्टोरेंट खोला जाए। फिर खोला जाए तो ये रेस्टोरेंट को तो कोई ऐसे और पैसे नहीं देने वाली है कि भाई क्या पगलापन है, क्या है कौन सा बर्ड्स रेस्टोरेंट, थीम ही नहीं सुनी थी किसने। इसीलिए हमने खुद के पैसे से 80,000 रुपये खर्चा करके यहाँ पे बर्ड्स रेस्टोरेंट खोला। उसमें मेरे यहाँ पे जो ये सेवादल महाविद्यालय था, यहाँ पे NSS के कैंप होते थे, उन्होंने मेरे को ये ग्रेन्स वगैरह की हेल्प किया। वो महीने में अपना 60-70 किलो यहाँ पे ला के दे देते, 50 क्विंटल के आसपास यहाँ पे ग्रेन्स लगता है हर दिन। धूपकाले में तो 10-15 किलो डेली। रोज़ की एक्टिविटी सुबह मिलती है आप, अच्छा इसको अपन ने ऐसा बंदिश तो नहीं रखा ना, ओपन रखा है, इसीलिए दूर से ही इसको एंजॉय कर सकते हैं। सुबह शुरू हो जाता है इनका खान पान, पहले पिकॉक आते हैं, पिकॉक रह गए तो फिर छोटे बर्ड्स नहीं आते, छोटे ये जाने के बाद ही फिर छोटे बर्ड्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, पैरट्स मिलेंगे, वो तुम्हारी जो आप कबूतर बोलते वो मिलेंगे, ये जो चिमनी के जो जितनी वेराइटी होती है वो मिलेंगे, वो तुम्हारा एक ग्रीन टाइप का बर्ड्स होता है, माइग्रेटरी बर्ड्स है वो, ग्रीन बीटर, वो भी यहाँ पे आपने को मिलता है। बहुत 100% सक्सेस है। हम जिस दिन 7 दिन तो यहाँ कोई आया भी नहीं था, हम ग्रेन्स डाल के हम समझ रहे थे कि 80,000 पकड़ गए, तुम्हारे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन स्टार्टिंग ही वो कबूतर नहीं की, उसके बाद में तो हमको ग्रेन्स कम गिरने का, हमको लगा कि हो जाता है अपन थोड़े थोड़े ग्रेन्स डाल दो इसमें, आधा आधा किलो वो सफिशेंट है 8 दिन, नहीं अभी तो ये 15 दिन, ये 15 kg ग्रेन्स एक दिन में ख़त्म हो जाते हैं। सुबह दोपहर में हम 2 बजे डालते हैं, शाम का खाना और सुबह का खाना, ये आपको 2 बजे तक ये मिलेगा भी नहीं। अभी हमारे यहाँ तो 65 के आसपास ये है पिकॉक है, 65 के आसपास में, और बाकी बर्ड्स तो यहाँ पे अभी शहर में बचा क्या है। यहाँ तो हमने पानी की व्यवस्था, इवन जंगलों में पानी की व्यवस्था की हमने, जंगल में 13 पॉन्ड्स तैयार किए ताकि वो यहीं नहीं वहाँ पर भी जा पानी पी सके। तो यहाँ तो बर्ड्स बहुत है, हर टाइप का बर्ड्स है यहाँ पे, माइग्रेटरी बर्ड जो अपन पहचानते हैं ऐसे भी बर्ड्स यहाँ पे आते हैं।